तो देखिए दोस्तों, मैं इसको कनेक्शन कर दे रहा हूँ। तो ये हम लोग का एलईडी लाइट है। तो ये हम लोग का रेजिस्टेंस है इस जगह पे, देख ही सकते हैं। एक ग्राउंड होगा और एक हम लोग का 12 वोल्ट का हम लोग का आएगा। तो चलिए इसको मैं सोल्डिंग करता हूँ। तो इस पे एक मैं इस जगह पे सोल्डिंग करूँगा दोस्तों, इस जगह पे एक। तो देखिए दोस्तों, अरे एक मैं इस जगह पे कर दूंगा। ये हम लोग का रेजिस्टेंस का, ये हम लोग का है। तो देखिए दोस्तों, इसे मैं कर लूँगा। तो ये हम लोग का कनेक्शन हो गया दोस्तों। अब देख ही सकते होंगे, दो हम लोग का 12 वोल्ट आएगा इस पे, एक ग्राउंड, इस पे भी एक ग्राउंड और एक 12 वोल्ट। और ये हम लोग का यूएक्स मोड का है, ये यूएक्स मोड का। तो इसमें ऐसे ही रखूँगा। अब मैं दूसरा वायर लेता हूँ, तो मैं दूसरा वायर लेता हूँ इस साइड से। तो दूसरा वायर भी हम लोग का जाएगा 6। तो कोई बात नहीं, तो मैं इसको सेम वायर लेता हूँ इस साइड 6। तो देखिए मैं इसको माप करके काट लूँगा इसको ऐसे, इस जगह पे कटने से हो जाएगा, कोई बात नहीं। तो मैं इस जगह पे कटिंग कर देता हूँ इसको। तो अब मैं इसको कनेक्शन करूँगा। तो कोई बात नहीं, हो गया। अब मैं इसको कनेक्शन करूँ। तो ये हम लोग का क्या है, दो, ये हम लोग का एक बेस के लिए है और एक हम लोग का मेन वॉल्यूम के लिए है, ना ट्रेबल के लिए है। हाँ तो दोस्तों देखिए, एक मेन वॉल्यूम और एक बेस के लिए है। तो चलिए मैं एक तीन वायर एक साइड और तीन वायर एक साइड का कनेक्शन कर लेता हूँ। तो आपको हाथ से ही इसको छीलने से हो जाएगा। आप देख सकते होंगे मैं कैसा छील रहा हूँ। वीडियो यदि अच्छा लगे तो लाइक कर देना, और नया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलना। तो चलिए मैं जैसे कर रहा हूँ वैसे ही करना, तो आपको समझ में आ जाएगा। तो आपको लेना है सोल्डिंग, थोड़ा कर देना इस जगह पे, थोड़ा थोड़ा सोल्डिंग। तो हो गया। तो मैं इसको करूँगा, एक हम लोग का ग्राउंड है, एक हम लोग का ये वाला ग्राउंड और एक ये जगह पे, और एक हम लोग का ये। तो रेड वायर वायर को मैं ग्राउंड दूंगा इस साइड, सॉरी इसे रेड बोलता हूँ मैं इस। तो मैं इसको एक साइड से दूंगा ऐसे। तो देखिए मैं कैसे कनेक्शन कर रहा हूँ, देख ही सकते होंगे। तो देखिए दोस्तों, ये हम लोग का हो गया। अब बेस का हम लोग का कंप्लीट, हम लोग का है मेन वॉल्यूम का। तो मेन वॉल्यूम कहाँ पर कहाँ बढ़ जा रहा है तो देख ही सकते होंगे, थोड़ा आपको देख के करना पड़ेगा दोस्तों। तो ये हम लोग का हो जाएगा इस साइड,
और एक जाएगा हम लोग का बीच वाले पर, और एक जाएगा हम लोग का इस साइड पे। तो देखिए दोस्तों, ये हम लोग का मेन वॉल्यूम कवर हो गया, मेन वॉल्यूम और बेस के लिए। तो ये हम लोग का दोनों है वायर। तो आपको करना क्या है, आप देख ही सकते होंगे। तो अब इस छेद से आपको उस पार करना पड़ेगा। मैं एक एक करके करूँगा कि हम लोग का समझे में अच्छा हो। तो चलिए मैं इस साइड इसको घुमाता हूँ अब। और ये हम लोग का बोर्ड, तो आपको इसको देख के करना पड़ेगा। तो ये हम लोग का है दो, ये हम लोग का है 12 वोल्ट, इसमें भी 12 वोल्ट, और ये हम लोग का एक्स मोड, यू एक्स मोड, ये दो। तो आप देखिए दोस्तों इस जगह पे, उस जगह पे देख ही सकते होंगे ये एक्स मोड लगा है वायर, जो हम लोग का दो सफेद दिया था वही। तो मैं इसको करता हूँ ऐसे, और मैं देख देख के कर लेता हूँ इसको। तो ये हम लोग का एक्स मोड है, तो मैं इसको लगाता हूँ सोल्डरिंग। तो एक्स मोड में बाद में करूँगा, तो पहले इसको मैं एक हम लोग का येलो वाला है हम लोग का, ये हम लोग का ग्राउंड हो गया, ये हम लोग का 12 वोल्ट के हो गया। इस बोर्ड पे 78.05 लगा है, अब देख ही सकते हैं रेगुलेटर आईसी, तो उस पर भी लगा हुआ है। तो मैं क्या करूँगा, इसको मैं कनेक्शन इससे भी दूंगा ना अलग से भी, तो देखेंगे उसको बाद में। तो कोई बात नहीं, मैं इसको करता हूँ पहले सोल्डरिंग ऊंचा पर रख के। पहले आपको येलो वाला वायर आपको ग्राउंड से जोड़ना पड़ेगा, ये हम लोग का बेस के लिए। तो मैं इसको इस रेगुलेटर आईसी से ही दूंगा। ये हम लोग का ग्राउंड, तो आप ग्राउंड पे भी दे सकते हैं। तो मैं ग्राउंड देता हूँ इस जगह पे, इस जगह पे मैं ग्राउंड देता हूँ इस साइड। तो देखिए मैं इसको ग्राउंड दिया, और ये हम लोग का एक्स मोड है। तो एक्स मोड का वायर हम लोग का इस जगह पे लगेगा, इस जगह पे। तो मैं उसको बाद में करता हूँ। और ये हम लोग का लाइट का है, तो आपको नेगेटिव पॉजिटिव आपको देख के सारा करना पड़ेगा ना। तो ये हम लोग का नेगेटिव पॉजिटिव, तो उसको मैं बाद में चेंज कर लूँगा, नेगेटिव पॉजिटिव अलग अलग रहे, तो कोई बात नहीं। तो इसको मैं दूंगा इस जगह पे ही दूंगा, नेगेटिव और पॉजिटिव।
तो ये हम लोग का हो गया। अब हम लोग का एक सूट का रहेगा तो कोई बात नहीं, तो इसको मैं देता हूँ अंदर से। अब तो देखिए ये हम लोग का बेस कौन सा है, हम लोग का येलो वाला रहा हम लोग का ग्राउंड है। तो इधर तीन और इस साइड तीन, इस साइड हम लोग का बेस और ये हम लोग का मेन वॉल्यूम। तो मैं इसको सोल्व करता हूँ थोड़ा से, तो चलिए सॉरी ये हम लोग का है। येलो वाला हम लोग का ग्राउंड है तो इस जगह पे देना पड़ेगा, ये हम लोग का बेस के लिए है। इस जगह पे हम लोग का बेस के मैं दिखाने की कोशिश करूँगा दोस्तों। तो देखिए मैं थोड़ा जूम करता हूँ, इस जगह पे हम लोग का बेस के लिए है। तो मैं इससे ऐसे ही करूँगा, कोई बात नहीं थोड़ा। हाँ हो गया दोस्तों, देखिए अब दिखाई दे रहा है। तो ये हम लोग का ग्राउंड है, तो मैं इसको ग्राउंड दे देता हूँ एक। देखिए ये हम लोग का येलो वाला है हम लोग का ग्राउंड, ग्राउंड और ग्राउंड एक ही है। ये हम लोग का तीन हम लोग का मेन वॉल्यूम के लिए। ये हम लोग का तीन मेन वॉल्यूम के लिए है। वो सॉरी दोस्तों, इस जगह पे भी देने ग्राउंड देने से होगा, और इस जगह पे हम लोग का ग्राउंड एक है देख ही सकते होंगे। तो मैं इस जगह पे ग्राउंड दिया, थोड़ा इस जगह पे थोड़ा सोल्डर कर लेना है। ये हम लोग का हो गया, एक इस साइड देना पड़ेगा ये, और एक इस साइड देना पड़ेगा। आप देख सकते होंगे सेम कनेक्शन। और मैं इसको अब बचा ही है हम लोग का तीन वायर, तो तीन वायर आपको देना पड़ेगा। एक फिर हम लोग ग्राउंड होगा, देखते हैं। एक हम लोग का ग्राउंड है और जो हम लोग लेफ्ट और राइट चैनल, तो इधर से मैं देख लूँगा कौन सा वाला ग्राउंड है हम लोग का। तो ग्राउंड हम लोग का ये है, ग्राउंड है हम लोग का ये वायर, हम लोग का ये वायर ग्राउंड है। तो इसको मैं ग्राउंड पे ग्राउंड कर दूंगा। ये हम लोग का लेफ्ट चैनल और ये हम लोग का राइट चैनल। तो देखिए दोस्तों ये हम लोग का कितना आसान से हो गया कनेक्शन, आप देख सकते होंगे। और ये हम लोग का ट्रांसफर वाला, तो हम लोग का 12012 तीन वायर है। ये हम लोग का रेड वाला जीरो है, और दो हम लोग का ब्लू वाला,
बारह जीरो बारह, तो ये हम लोग का बारह का कनेक्ट बारह है, तो आपको देना पड़ेगा डायोड के इस जगह पे, इस जगह पे, इस जगह पे आपको देना पड़ेगा, तो आपको थोड़ा इस जगह पे सोल्व करना पड़ेगा अच्छा से। ये हम लोग का जीरो का वायर, जीरो का वायर है, बारह जीरो बारह, ये हम लोग का जो बारह का पॉइंट है, तो इसको मैं इस जगह पे सोल्ड करूँगा। तो देखिए दोस्तों ये हो गया, और रेड वाला वायर हम लोग का जीरो है, तो ये हम लोग का होगा बीच वाला वायर जगह पे, ये भी हो गया। और ये हम लोग का ब्लू वाला वायर फिर सब बड़ा है, तो इस जगह पे हो गया। तो देखिए दोस्तों ये हम लोग का कनेक्शन हो गया। अब मैं इस, ये हम लोग का एक्स मोड का, मैं उस जगह पे कनेक्शन करूँगा। तो देखिए दोस्तों ये वाला वायर है हम लोग का जो दिखाई दे रहा है, ये हम लोग का, ये हम लोग का ब्लैक हम लोग का ग्राउंड है, और रेड वाला हम लोग का एक एक राइट स्पीकर और लेफ्ट स्पीकर के लिए। तो मैं कनेक्शन करके भी दिखा दूंगा। तो मैं इसको करता हूँ सीधा और करता हूँ कनेक्शन शुरू। तो इस जगह पे ग्राउंड और इस जगह पे शॉर्ट नहीं रहना चाहिए, हम लोग का आईसी भी खराब भी हो सकता है। तो देखिए दोस्तों इस जगह पर हम लोग कैसा कनेक्शन करा हुआ है, तो मैं इसको समझाने के लिए मैं एक लूँगा समझाने के लिए, ये मिला तो अच्छा, नहीं मिला तो समझाने उस जगह पे मैं समझा दूँगा, कोई बात नहीं दोस्तों। मैं देखिए अब मैं समझा देता हूँ इस जगह पे। देखिए इस साइड और इस साइड हम लोग का ग्राउंड है जी, इस साइड और ये वाला वायर हम लोग का ग्राउंड है, और बीच में जो हम लोग का एक स्पीकर के लिए, और ये हम लोग का एक स्पीकर के लिए, आप देख ही सकते होंगे। देखिए एक दो हम लोग का ग्राउंड, और ये वाला एक राइट स्पीकर के लिए, ये हम लोग का लेफ्ट स्पीकर के लिए, और ये हम लोग का कनेक्शन होगा, ये हम लोग का ग्राउंड हो जाएगा ये, और ये हम लोग का एक स्मोट का एक दो, ये दो जो वायर है एक मोड का कनेक्शन होगा। तो मैं कनेक्शन करके दिखा देता हूँ। तो देखिए दोस्तों मैं इसको कनेक्शन करता हूँ, ये हम लोग का और ये एक मोटर का कनेक्शन हो रहा है, और मैं एक ग्राउंड इससे और इससे हम लोग का शॉर्ट कर देंगे, तो एक ही ग्राउंड हो जाएगा हम लोग का। तो चलिए तो देखिए दोस्तों इस ये वाला वगैरह हम लोग का ग्राउंड का है, तो मैं ग्राउंड के ले लिया, और इसको ग्राउंड पे भी दे सकते हैं बोर्ड पे, तो मैं बोट ही पे दूंगा। तो बोट का हम लोग का ग्राउंड हो गया ये, तो देखिए मैं बोट पे देता हूँ ग्राउंड, ये येलो के पास ग्राउंड है ये हम लोग का, मस्त ये हम लोग का ग्राउंड हो गया। अब मैं उसका कनेक्शन करूँगा स्पीकर का, तो देख ही सकते हैं स्पीकर का सेम, ये हम लोग का ग्राउंड है ब्लैक का,
तो ब्लैक का कनेक्शन कर देना होगा ग्राउंड पे। तो मैं इस जगह पे ही कनेक्शन करता हूँ। एक ये हो गया हम लोग का एक एक इस पेकर के लिए, ये वाला वायर हो गया हम लोग का एक इस पेकर, तो ये इस वाला वायर हम लोग का इस साइड, तो हो गया दोस्तों। अब बचा हम लोग का बेस के वायर, तो ये बेस का वायर मैं सोल्ड करता हूँ। तो देखिए दोस्तों, मैं यही वाला वायर मैं यूज़ करूँगा इसको बेस के लिए। हम लोग का छोटा वायर लगेगा, तो इसको बेस के लिए मैं इसको छीलता हूँ दो, और इस जगह पर कनेक्शन कर देना है। अच्छा नहीं है वायर, तो सॉरी, मैं दूसरा वाला वायर को देखता हूँ। मैं इस साइड से लूँगा। तो देखिए दोस्तों, ये अच्छा दिख रहा है, तो देखते हैं। रेड और येल्लो लेते हैं, येल्लो बोलते सॉरी, रेड और ब्लैक। ये हम लोग का तार ही नष्ट हो चुका है। तो कोई बात नहीं दोस्तों, ये हम लोग का सही है, चलेगा। देखिए ये वाला हमारे भी सही है, तो इसे सोल्डिंग करते हैं थोड़ा सा। हम लोग का बेस का वायर हम लोग का हार्ड देना पड़ता है, कोई बात नहीं। तो इससे से हम लोग का काम चला लेंगे। तो ये हम लोग का थोड़ा नीचे है, तो इसलिए मैं थोड़ा झुक के सोल्डिंग करता हूँ। इस जगह पे ग्लू स्टिक दिया हुआ है दोस्तों, इसलिए थोड़ा सोल्डिंग करने में थोड़ा लेट हो रहा है, तो कोई बात नहीं। ये हो गया दोस्तों, अब मैं इसको कनेक्शन करता हूँ। एक हम लोग का रेड और एक हम लोग का ब्लैक होगा बेस के लिए। तो देखिए इस जगह पे हम लोग का बेस कनेक्शन होगा। एक हम लोग का रहेगा, मैं अच्छा से दिखाने की कोशिश करता हूँ। एक हम लोग का इस वाला सेक्शन, और एक हम लोग का ग्राउंड, एक ये वाला आप देख सकते हैं। तो हम लोग का बेस के लिए है, तो मैं इससे सोल्डिंग कर देता हूँ।
एक है हम लोग का ए वाला सेक्शन, तो मैं इसको भी सोल्डिंग करता हूँ इस जगह पे। ये थोड़ा सोल्डिंग नहीं हो रहा है, और एक मैं इस जगह पे कर दूंगा। तो इसको थोड़ा, ये हम लोग का सोल्डिंग डिसोल्डिंग हो चुका है, तो मैं थोड़ा इस साइड घिस के करता हूँ। इसको थोड़ा प्रिंट छूट गया तो इसलिए मैं इसको घिस रहा हूँ साइड पे। ये हम लोग का ग्राउंड का वायर है इसलिए। तो देखिए दोस्तों, ये हम लोग का हो गया। मैं अच्छा से सोल्डिंग करता हूँ इस जगह पे। तो हो गया दोस्तों, अब देखते हैं इसको सप्लाई। देखिए ये हम लोग का सप्लाई का वायर है, ये मैं इसको सप्लाई पे देता हूँ। इसको घुमाते हैं एक साइड इस साइड। तो मैं इसको सीरीज लाइन से दिया, ये हम लोग का छोटा वायर है ना, इस चूहा ने काट दिया था, इसलिए मैं सीरीज लाइन से दे रहा हूँ इसको सप्लाई। इसको देते हैं सप्लाई। तो देखिए दोस्तों, इस पे तो लाइट आ चुकी है, क्यों हम लोग का बेस का स्पीकर हम लोग का हमिंग कर रहा। तो ये हम लोग का देखना पड़ेगा, ये इस साइड हम लोग का कोई बात नहीं, देखते हैं क्यों हमिंग कर रहा है। देखते हैं इसको वोल्टेज सही आ रहा है ना नहीं, ये हम लोग का देखना पड़ेगा वोल्टेज देखना। ये हम लोग का 78.05 से आउटपुट हो रहा है। तो इस जगह पर हम लोग का ग्राउंड और एक हम लोग का 5 वोल्ट, कोई बात नहीं, 3.3 वोल्ट आ रहा है, 3.9 के करीब आ रहा है। तो ये भी सही है, तो देखते हैं ये इसको लगा के। तो इस ये हम लोग का पैनल पे कोई भी लाइट नहीं आया, तो देखते हैं दूसरा लगा के देखते हैं। रुकिए दोस्तों, तो मैं इसको चेक करने के लिए मैं एक बैटरी लूँगा 3.7 वोल्ट के करीब। ये हम लोग का लिथियम आयन बैटरी है, तो मैं इसको चेक करता हूँ। तो हम लोग का ब्लूटूथ खराब है दोस्तों, अब देख ही सकते होंगे इस पे हम लोग का लाइट नहीं आ रहा है। तो कोई बात नहीं, मैं इसको चेंज करूँगा ये बाद में। ये हम लोग का कनेक्शन हो चुका है दोस्तों।
आप देख ही सकते होंगे ये थोड़ा हमिंग कर रहा है, तो मैं इसको खोलता हूँ। इस साइड घुमाते हैं, इस पे हम लोग तो सही कनेक्शन हुआ है। तो मैं एक सैटेलाइट स्पीकर लगा के देखूंगा, इस पे भी हमिंग आ रहा है क्या। तो नहीं दोस्तों, सैटेलाइट स्पीकर पे हमिंग नहीं आ रहा, सिर्फ हम लोग का बेस पे हमिंग बोलते हैं, इस पे हम लोग का कर रहा है। तो ये हम लोग का तो देखते हैं वोल्टेज कितना है, आईसी खराब है क्या। रुकिए, इससे हम लोग का वोल्टेज आउटपुट कितना कर रहा है, इस पे हम लोग का आईसी भी खराब है दोस्तों, कि हम लोग का वोल्टेज आउटपुट करना नहीं चाहिए था। आप देख सकते होंगे कोई वोल्टेज नहीं दूसरा इसमें। एक हम लोग का आईसी खराब है, आप देख सकते होंगे, इसलिए हमिंग कर रहा है। बात नहीं दोस्तों, वीडियो यदि अच्छे लगे तो लाइक कर देना, नया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलना। तो चलिए दोस्तों, आप लोग रहिए स्वस्थ और मस्त रहिए दोस्तों।